हाय गाइज, मैं युवाना सिंह। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज अगर चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। दोस्तों आज मैं आपको एक कैप्सूल टैबलेट है सेफको एजेट, इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। आइए हमारी वीडियो देखिए, सब क्लियर कर दूँगा कॉन्सेप्ट, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। तो आइए सेफको के बारे में देखते हैं क्या है। ये आपका टैबलेट है और ये आपका इसका MRP जो है 220 रुपये। 10 टैबलेट का दाम है, एक स्ट्रैप में 10 टैबलेट लगभग आते हैं आपके। और इसके जो कम्बिनेशन कंपोजिशन क्या है आपका, इसमें आपका डाला गया है सेफेक्साइम ट्राइहाइड्रेट IP 200 mg एंड अल्ट्रोमाइसिन डाइहाइड्रेट ये 250 mg डालकर के इसको निर्मित किया गया है। और ये बहुत ही अच्छी दवा है, इसका प्रयोग खास करके निमोनिया और टाइफाइड में किया जाता है। और ये आपका किस फार्मास्यूटिकल का मैन्युफैक्चर बाय पैसिफिक इंडिया फार्मास्यूटिकल का ये बना हुआ दवा है दोस्तों। और इसका देखिए 10 टेबलेट के स्ट्राइप में आता है, इसका इस तरह के टेबलेट हैं आपके। और इसके जो टेस्ट हैं वो भी अच्छे हैं, खाने में भी अच्छा है इसके। और ये इसके आपको दिखा देते हैं कलर क्या होता है दोस्तों इसका। इसका दोस्तों देखिए ये आपका वाइट कलर का ये टेबलेट है, वाइट कलर में आता है ये। और इसकी और जानकारियाँ मैं आके आपको दे रहा हूँ, वीडियो देखते रहिए ओके। और आइए आज मैं आपको सेफको एजेट की पूरी जानकारी देता हूँ। तो सेफको एजेट पहले मैं बता चुका हूँ, सेफेक्साइम सोडियम और एजिथ्रोमाइसिन दो चीज़ों का कम्बिनेशन है। तो सेफेक्साइम, आइए देखते हैं इसका यूजेज। तो सेफेक्साइम प्लस एजिथ्रोमाइसिन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन ओके। तो बैक्टीरिया से दोस्तों जो इन्फेक्शन होता है उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं किस तरह से वर्क करता है, हाउ इट वर्क्स। दिस इज द कम्बिनेशन ऑफ टू एंटीबायोटिक्स। तो ये आपका सेफको एजेट जो है दो एंटीबायोटिक की चीज़ों का कम्बिनेशन है, वो आपका है सेफेक्साइम एंड एजिथ्रोमाइसिन ओके। द सेफेक्साइम वर्क बाई प्रिवेंटिंग द फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटेक्टिंग कवरिंग विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बैक्टीरिया। तो दोस्तों ये जो सेफेक्साइम होता है ये क्या बनाता है, एक कवर बना देता है, प्रोटेक्टिंग कवर बनाता है, जिससे कि बैक्टीरिया जो है फैलते हैं वो फैल नहीं पाते हैं और उनको ये रोक देता है। आगे दिया है एजिथ्रोमाइसिन स्टॉप द बैक्टीरियल ग्रोथ। जो एजिथ्रोमाइसिन है बैक्टीरिया जो बढ़ते हैं आपके शरीर में उसके ग्रोथ को ही वृद्धि को ही रोक देता है बाय प्रिवेंटिंग द सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल प्रोटीन रिक्वायर्ड बाई बैक्टेरियल टू कैरी आउट वाइटल फंक्शन। दोस्तों ये आपका जो वाइटल फंक्शन होता है उसको ही ये क्या करता है, रोक देता है। तो जब बैक्टीरिया के लिए पोषण नहीं मिल पाता तो बैक्टीरिया अपने आप खत्म हो जाते हैं, आपको जो बीमारियाँ हैं वो ठीक हो जाती है दोस्तों। तो आइए इसका कॉमन साइड इफेक्ट देख लेते हैं। तो इसका आपका नौसिया, वोमिटिंग मतलब उल्टी आएगी, ढकार आएगा, डायरिया, आपको पेचिस भी हल्का फुल्का हो सकती है, स्टमक पेन हल्का फुल्का, पेट दर्द हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख आपकी कम लगेगी, इंडाइजेशन अपच होगा और फ्लेटुलेंस और गैस्ट्रिक की कुछ बीमारियां हो सकती है दोस्तों। तो आइए फैकल्टी देखते हैं इसकी। तो व्हाट इज सेफेक्साइम एजिथ्रोमाइसिन यूज्ड फॉर। तो सेफेक्साइम एजिथ्रोमाइसिन इज ए फिक्स्ड डोजेज कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंटीबायोटिक्स एंड इज यूज टू ट्रीट पेशेंट विथ ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन। दोस्तों जो बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड पर्सन है उनके लिए इसका यूज करता है। सेफेक्साइम इज यूज टू ट्रीट इन्फेक्शन ऑफ ईयर, लंग, थ्रोट एंड यूरिनरी ट्रैक्ट। तो आपका दोस्तों आपके कान में, फेफड़े में, गले में और पेशाब की जो नलियाँ हैं उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें हम सेफेक्साइम का यूज करते हैं। और एजिथ्रोमाइसिन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ईयर इन्फेक्शन, स्ट्रेस, थ्रोट, न्यूमोनिया, ट्रेलर्स, डायरिया, लूज स्टॉक एंड स्टमक क्रैम्प्स, आपके पेट में कुछ दर्द है, अकड़न हो रही है उसको भी ठीक करता है। और वाइल ट्रेवलिंग टुगेदर दे कैन बी यूज ट्रीट इन इन्फेक्शन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है उसके भी क्योर में इसका यूज किया जाता है, टाइफाइड एंड निमोनिया, यूरिनरी ट्रैक्ट एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज। तो दोस्तों ये टाइफाइड और मतलब मियादी या असुजीरा बुखार होता है तो इसके लिए आपका इसका प्रयोग किया जाता है। और निमोनिया में भी इसका प्रयोग होता है दोस्तों, और मलेरिया में भी इसका यूज हम कर सकते हैं। आगे देखते हैं व्हाट इज ए गोनोरिया एंड इट्स रिलेटेड सिम्टम्स।
तो गोनोरिया इज ए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। एसटीडी आ पेशेंट में गेट दिस डिसीज आफ्टर हैविंग ए ओरल वेजिनल आर एंड सेक्स। मैनी पेशेंट्स विथ गोनोरिया डू नॉट हैव एनी सिम्टम्स। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, और आगे भी मैं इसकी वीडियो डालता रहूँगा। डिस्क्रिप्शन में और वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा, उसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद आई बटन भी दबाकर देख सकते हैं। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी इसके कमेंट में कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक इससे लाभान्वित हो सकें, और एक लाइक कर दीजिए इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद जय भारत, हैव ए नाइस डे।